आदर दोस्तों, मैं हूं शहजादा आलम बरनी। आप देख रहे हैं द बरनी शो। आज हम अपने शो में जो मुद्दा लेकर के आए वो मुद्दा है उत्तर प्रदेश के अंदर खिलाड़ियों की दुर्दशा। एक वीडियो बाकायदा सोशल मीडिया पर आया है और इस वीडियो को भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी शिखर धवन ने बाकायदा अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है। ये वीडियो है उत्तर प्रदेश के राज्य स्तर के एक टूर्नामेंट का, जिसमें जो कबड्डी खेल होता है, कबड्डी के खिलाड़ी जो हैं वो टॉयलेट के अंदर खाना खा रहे हैं, यानी जो टॉयलेट की जो जगह होती है उसमें खाना खाते हुए सीधे तौर पर दिखाई दे रहे हैं। हम आपको ये वीडियो दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि शिखर धवन ने इसको लेकर के क्या लिखा है। शिखर धवन ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि यह जो नजारा है यह दिल दहला देने वाला है कि राज्य स्तर के टूर्नामेंट में खिलाड़ी टॉयलेट में खाना खा रहे हैं। मैं योगी आदित्यनाथ सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से अपील करता हूं कि वो इस मामले में संज्ञान लें और इस पर कार्रवाई करें। बाकायदा उस वीडियो को शिखर धवन ने अपने ट्विटर हैंडल पर डाला है। ये आपको ये वीडियो दिखाते हैं कि किस दुर्दशा से गुजर रहे हैं कबड्डी के उत्तर प्रदेश के राज्य स्तर के खिलाड़ी। ये वीडियो आप देखिए। वीडियो आपने देखा कि किस तरीके से दुर्दशा हो रही है। हालांकि सवाल ये उठता है कि अब इस पर कार्रवाई भी हो सकती है, संज्ञान भी लिए जा सकते हैं, लेकिन अहम सवाल ये है कि आखिर ये नौबत आई ही क्यों। क्या वाकई में हमारा हाल इतना बुरा हो चुका है कि एक राज्य स्तर के टूर्नामेंट में खिलाड़ियों को टॉयलेट में खाना परोसा जा रहा है। आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, उस कमेंट बॉक्स में जाएं, जाकर के अपनी राय हमें जरूर बताएं। आज के इस एपिसोड में इतना ही। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप हमें सोशल मीडिया पर यानी इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो करने के लिए वीडियो के नीचे जो लिंक्स दिए हुए हैं उन लिंक्स पर जाकर आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।